So assalamualaikum gamers and welcome back to another gameplay video with Grand Theft. अरे भाई साहब Grand Theft Auto 5 game नहीं है, ये है मोबाइल का न्यू गेम और वो भी मार्वल का, जो ज़बरदस्त गेम मुझे मिला भाई साहब आज तक, मुझे खुद भी बहुत पसंद आया। तो इस गेम का नाम है स्पाइडर फाइटर 3। जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर में जाओगे वहाँ पर डालोगे स्पाइडर फाइटर 3 तो आप लोगों को ये गेम ज़रूर मिलेगा और वो भी मतलब ऑल सुपर हीरोज के साथ। कसम से मुझे बहुत मज़ा आया। तो सबसे पहले तो हम खेलेंगे स्पाइडर भैया के साथ। तो स्पाइडर जो है हम आ चुका है और वो भी धमाकेदार एंट्री के साथ। तो यहाँ पर आप लोग फाइट का जो सीन है वो भी देख सकते हो कि बहुत कमाल का फाइट हो गया अभी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मिशन था हमारा वो तो कम्प्लीट हो चुका है। जो हमारा जो तीसरा चौथा करेक्टर है इसमें हमारे जो मतलब पूरे पाँच करेक्टर है। तो अभी इसमें फोर करेक्टर है। तो अभी हमने तीन करेक्टर को अनलॉक किया हुआ है। तो अभी जो फोर्थ वाला करेक्टर है उसको भी अनलॉक करेंगे और फोर्थ वाला करेक्टर जो है वो बहुत कमाल का सुपर हीरो है, जो आप लोग जाते हो डेडपूल के नाम से। तो ये है डेडपूल। अभी इस डेडपूल को खुलवाना है तो उससे पहले हमें कुछ मिशन है वो करने पड़ेंगे। तो जाते हैं जल्दी से जी, बस स्पाइडर का जो सेकंड मिशन है वो भी कम्प्लीट करते हैं और उसके बाद मिशन होने वाला है आयरन मैन। भाई साहब आप लोगों ने सही सुना, तो इसमें आयरन मैन भी है। तो आप लोगों को आयरन मैन का जो गेम प्ले है वो भी देखने को मिलेगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई लोग आप लोग कह रहे होंगे कि आपने फेस के साथ ये गेम प्ले क्यों नहीं बनाई। तो भाई लोग कोई नहीं, बस मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब रात हो चुकी थी तो मैं फेस के साथ गेम प्ले नहीं बना सकता था क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए कैमरे में मेरा फेस सही नहीं आ सकता। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वॉइस ओवर करूँ। तो ऑब्वियसली बात यार गेम ज़बरदस्त, तो आप लोग इस वॉइस ओवर को भी पसंद करोगे और इस गेम को भी पसंद करोगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्पाइडर मैन का जो सेकंड मिशन था वो तो कंप्लीट हो चुका है और अभी आया है आयरन मैन। और भाई साहब आप लोग देख सकते हो कि क्या कमाल का सूट में आया हुआ है और वो भी आयरन मैन। तो अभी आयरन मैन को भी आयरन मैन की भी कुछ मिशन है वो भी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हमारा जो तीसरा करेक्टर है वो तो है जाना पहचाना हल्क। तो हाँ भाई साहब आप लोगों ने सही सुना, हल्क के साथ भी हम मिशन खेलने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अभी आयरन मैन का जो मिशन है वो कंप्लीट करते हैं। बाकी आप लोग मतलब एनिमीज का जो करेक्टर है वो भी देख सकते हो कि बहुत मतलब क्या ज़बरदस्त मतलब रियल ग्राफिक्स है इसके। तो आप लोगों को मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि इस गेम को आप ज़रूर खेलो, स्पेशली अगर बच्चों के लिए ये गेम प्ले आप लोग खेलते हो तो उसको ज़रूर दो, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें टाइम ज़ाया करो, वैसे भी अगर फ्री टाइम आप लोगों को मिले तो ये गेम ज़रूर खेलना। तो बाकी हमारा जो आयरन मैन का जो सेकंड मिशन है वो शुरू हो चुका है, मतलब बॉस है। तो इस बॉस को निपटाना है, तो सबसे पहले बॉस को तो हमने मतलब हवा में फायरिंग करके उसको भगा दिया, लेकिन वो नहीं भाग रही। तो उससे पहले कि हम मर जाए उससे पहले हम नीचे जाएंगे उस बॉस को। अरे भाई साहब जैसे ही हम नीचे उतर गए तो ये बॉस जो है हमारे ऊपर चढ़ गई और मतलब मुक्या ही मारने लगी। तो अभी इसको तो हमने आयरन मैन का जो स्पेशल एबिलिटी वो नहीं दिखाई है, तो उसको दिखाना चाहिए यार। ये बॉस बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर लगता है क्योंकि इसके पास मतलब स्वर्ड्स भी है। तो इस स्वर्ड्स को मतलब किसी ना किसी तरीके से लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है अभी। तो यहाँ पर हमारा जो आयरन मैन का जो सबसे पावरफुल मुक्का है उसने खा लिया, तो ये बॉस जो है वो भी मर चुका है। तो अभी मतलब देखते हैं कि इसके बाद। अरे भाई साहब जैसे ही मैंने सोच रहा था कि मैं हल्क को स्पॉन करता हूँ तो स्पॉन यहाँ पर हल्क, अरे मैं उल्टा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर हल्क स्पॉन हो चुका है और वो भी बहुत धमाकेदार जंप के साथ। तो जाते हैं इस हल्क का जो मिशन है वो भी करने वाले हैं अभी। तो क्योंकि यार हल्क हमारा जो है वो फेवरेट करेक्टर है, फेवरेट तो नहीं है, फेवरेट जो हमारा जो है वो आयरन मैन है और स्पाइडर मैन है, लेकिन हल्क भी यार किसी से कम नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को सारे करेक्टर जो है उसमें देखने को मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर ये गेम खेलना। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये गेम ज़रूर खेलना क्योंकि यार मैंने खुद खेला है, बहुत मज़ा आने वाला है इस गेम में, तो आप लोग भी ज़रूर ये गेम खेलना। तो सबसे पहले जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर, वो भी यार हल्क का जो करेक्टर आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर स्काईलाइन के ऊपर चढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो दुश्मन है वो हमारा इंतज़ार कर रही है, तो इस दुश्मन के ऊपर हमने छलांग लगा दी यार भाई साहब। तो आप लोग हल्क के जो मुक्के हैं वो देख सकते हो कि बहुत ख़तरनाक मुक्के हैं,
तो यहाँ पर हमें गोलियां सोजा भी पड़ रही है, लेकिन हल्क जैसे ही गोली लगी उसको तो और भी गुस्सा हो गया। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि हल्क को जैसे ही गोली लगी है तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उससे पहले कि हमें तीसरी गोली भी लगी तो उसको सारे जो एनिमीज है उसको मिटाना पड़ेगा। बाकी हल्क का जो सेकंड मिशन है वो भी आप लोगों के साथ देखने को मिलेगा। जो सेकंड मिशन है वो तो बॉस का है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा करेक्टर दिखा देता हूँ कि मैं हमारे साथ जो करेक्टर है वो कितने हैं। तो अभी हमारे पास जो करेक्टर सारे खुले हैं, तो अभी तीन करेक्टर हमारे साथ खुले हैं। तो अभी जो फोर्थ करेक्टर है वो अभी नहीं खुला है, तो इंशाल्लाह उस फोर्थ करेक्टर को भी आपके साथ खुलवाएंगे। तो आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो हल्क करेक्टर था वो भी आप लोगों ने देखा, बाकी आयरन मैन का जो करेक्टर है वो भी आप लोगों ने देखा, ये तो स्पाइडर मैन का करेक्टर है, तो बहुत ज़बरदस्त करेक्टर है भाई साहब। तो ये जैसे कि मैंने आप लोग कहा था कि बॉस का मिशन बाकी है, तो इस बॉस को भी निपटा देता हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हो कि और बॉस के साथ बहुत ज़्यादा पुलिस भी आ चुकी है, मतलब माफिया पुलिस है, ये कोई आम पुलिस नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बॉस है वो हमें टक्कर दे रहा है भाई साहब, हल्क को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो बॉस है वो मुझे मरवाना चाहता है, लेकिन किसी भी तरीके से उस बॉस को जल्दी से जल्दी मिटाना पड़ेगा। बाकी हमारा जो एचपी है वो भी कम हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी बस इस बॉस को निपटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बॉस को तो हमने निपटा दिया, तो यहाँ पर एक पुलिस वाला रहता है तो उसको भी निपटा देते हैं। बाकी सब आप लोग देख सकते हो कि इस मतलब बॉस का जो मिशन वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी आप लोग फोर्थ करेक्टर भी देख सकते हो। तो भाई साहब अगर आपको यहाँ तक गेम प्ले पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिल नोटिफिकेशन को दबाना। मिलेंगे नेक्स्ट गेम प्ले में, तो इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।